हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू योर मैक्स क्लास वर्ल्ड ऑफ मैक्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन न्यू कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अबेकस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज अबेकस, हाउ अबेकस वॉज डेवलप्ड एंड हाउ टू यूज अबेकस। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अबेकस वॉज डेवलप्ड। So students, abacus was developed years and years back. Abacus बहुत साल पहले developed हो चुका है. Now it is been used worldwide. आजकल वो worldwide में बहुत ज़्यादा use हो रहा है. Because students, ये सबसे पहला काम करता है हमारा concentration power बढ़ाने का. Second students, हमारे brain के programs को developed करने का काम करता है. And हमें mathematics problems को easily solve करने में help करता है. सो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे व्हाट इज अबेकस, एक्चुअली अबेकस है क्या। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर एक्चुअल अबेकस। ये जो आपको अबेकस पे बॉर्डर दिख रहा है उसे बोलते हैं अबेकस फ्रेम। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपको एक रॉड दिख रही होगी, सो इस रॉड को बोलते हैं सेंटर रॉड। कौन सी रॉड? सेंटर रॉड। ये सेंटर रॉड ऊपर वाले बीड्स एंड नीचे वाले बीड्स को डिवाइड करने का काम करती है। सो ये जो आपको रेड कलर की बीड्स ऊपर दिख रही है उन्हें बोलते हैं अपर बीड्स एंड जो बीड्स नीचे हैं उन्हें बोलते हैं लोअर बीड्स। सो स्टूडेंट्स, ये सेंटर बीड क्या करता है, इन दोनों बीड्स को अलग अलग करता है, डिवाइड कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बीड्स जिस रॉड पे खड़ी है उस रॉड को बोलते हैं स्पाइक। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा अबेकस फ्रेम, ये हमारी सेंटर रॉड, ये हमारी अपर बीड्स, ये हमारी लोअर बीड्स। जिस रॉड पे बीड्स खड़ी हैं उस रॉड को बोलते हैं स्पाइक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे कि हमें इस अबेकस को यूज कैसे करना है। सो ये हमारा अबेकस, आपको यहाँ 5 डॉट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। सो हमें हमारा सम ऑलवेज सेंटर डॉट से स्टार्ट करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटर डॉट है, ये वाली रॉड है यूनिट्स की, ये वाली टेंस की एंड ये वाली हंड्रेड्स की। उसके बाद सेकंड स्टेप, हमें हमारे अबेकस की वैल्यू 0 सेट करनी होती है। सो अबेकस की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोई भी बीट सेंटर रॉड को टच नहीं कर रही होती। आप देख रहे हो ना, ऊपर वाले बीट सेंटर रॉड को टच कर रहे हैं ना नीचे वाले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अबेकस में ऊपर वाले बीट की वैल्यू होती है 5 एंड नीचे वाले बीट की वैल्यू होती है 1। ओके, नाउ इन बीट्स को यूज कैसे करना है, आपको अगर नीचे वाले बीट्स यूज करनी है तो आपको आपका थंब यूज करना है। आपको आपके थंब को ऐसे प्लेस करके नीचे वाले बीट्स को ऊपर नीचे करना है, आपको जो वैल्यू चाहिए। अगर आपको ऊपर वाली बीट्स यूज करनी है तो आपको क्या करना है, आपको आपकी फर्स्ट फिंगर से बीट्स को ऊपर नीचे करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे अबेकस पे 0 to 9 कैसे शो करते हैं। सो आप देख रहे हो कोई भी बीट सेंटर रॉड को टच नहीं कर रही है, इट मींस अबेकस की वैल्यू अभी 0 है। अगर अभी हमें 1 शो करना है अबेकस पे, सो हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटर रॉड के सेंटर वाले पार्ट पे आ जाएंगे, देन अभी हमें 1 शो करना है। 1 हम थंब से शो करेंगे, कैसे, 1, देन अगर 2 करना है तो 2 3 4। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको 0 से 4 वैल्यू अबेकस पे कैसे शो करते हैं वो सिखाया, अभी मैं आपको 5 टू 9 अबेकस पे कैसे शो करते हैं वैल्यू वो सिखाऊंगी। सो मैंने 0 से 4 आपको शो करके दिखाया, उसके बाद मैंने मेरे अबेकस को 0 वैल्यू पे सेट कर दिया। ओके, नाउ मैं आपको सिखाऊंगी 5 अबेकस पे कैसे शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाली बीट्स हैं उनकी वैल्यू 5 है, सो मैं अगेन अबेकस के सेंटर पे आ जाऊंगी एंड मेरी फर्स्ट फिंगर से 5 को ऐसे नीचे करूंगी। सो ये बन गया 5 ऑन अबेकस। नाउ मुझे 6 चाहिए, सो 5 मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अपने थंब से 1 मोर ऊपर करूंगी, अप करूंगी तो 6। नाउ 7, नाउ 8 एंड लास्ट 9। सो अभी हमने सीखा 0 से 9 अबेकस पे कैसे शो करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम अबेकस के बारे में और स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।